बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि हम स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस तरह अपना जो स्टॉक होता है, अगर वो स्टोर का स्टॉक है, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी शॉप का स्टॉक है, तो उसको हम किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। तो टू मैथड्स हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। फर्स्ट मैथड ये है और सेकेंड मैथड ये है। तो दो डिफरेंट मैंने यहाँ पर एक्सेल की फाइल क्रिएट की है। जो हमारे पास फर्स्ट मैथड है वो थोड़ा सा सिंपल मैथड है, लेकिन इसमें हमें अलग अलग से फोर शीट्स को क्रिएट करना पड़ता है। जो हमारे पास सेकेंड मैथड है वो थोड़ा सा, इसमें जो फंक्शन यूज होने वाले हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें हमारे पास शीट्स जो होंगी वो जस्ट टू शीट्स होंगी। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको फर्स्ट इजी मेथड जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आपने क्या करना है, एक सिंपल सी शीट डिजाइन कर लेनी है। यहां पर आइटम होगी ओपनिंग, परचेज, सेल, रिजेक्ट और करंट स्टॉक, ये हमारे पास हेडिंग होगी। उसके बाद आपने यहां पर प्रोडक्ट्स के नेम लिख लेने। जिस तरतीब के साथ आपने यहां पर प्रोडक्ट लिए हैं, इसी तरतीब से आपने सेल, परचेज और रिजेक्ट की जो शीट्स हैं उनको डिजाइन कर लेना है। ये देखें, मैंने इसी तरतीब से वन प्रोडक्ट से लेके फाइव प्रोडक्ट तक यहां पर प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, और ये मेरी परचेज की शीट है, और परचेज में मैंने यहां पर 15 डेज लिए हुए हैं। आप एक मंथ के डेज को ले सकते हैं, वन से लेकर 13 तक डेज को ले सकते हैं। इसी तरह मेरे पास यहां पर सेल की शीट है, यहां पर हम सेल को मॉनिटर करेंगे। यहां पर जो है हम अपने रिजेक्ट जो पार्ट हो रहे हैं, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो रिजेक्ट हो रही हैं, जिसको हम वापस रिवर्स कर रहे हैं अपने सप्लायर को, वो हम यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो ये तीनों की तीनों शीट्स आपने सिंपल इस तरह डिजाइन कर लेनी है, और नंबर फोर शीट जो स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए वो आपने कुछ इस तरह डिजाइन कर लेनी है। अब देखिए, फर्ज करें कि आपके अभी जो मंथ है, अप्रैल का मंथ चल रहा है और उसका अभी स्टार्ट हुआ है, और आपने स्टार्ट पर क्या करना होता है, अपने पूरे के पूरे स्टॉक को चेक करना होता है कि मेरे पास अभी स्टोर में जो स्टॉक है वो कितना अवेल है। आपने यहां पर वो स्टॉक क्वांटिटी मेंशन कर देनी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये फोर है, ये सिक्स प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये सेवन है क्वांटिटी में, ये एट है, ये फोर है। तो यहां पर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के नेम है उनकी मैंने यहां पर क्वांटिटी मेंशन कर दी है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम ये हम करेंगे कि यहां पर परचेज में जाएंगे। तो टोटल डेज में मैं जो परचेज कर रहा हूं उसको मैं यहां पर टोटल करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर इक्वल टू एसयूएम सम का फंक्शन यूज करूंगा, और ये मैं सारी रेंज सिलेक्ट करूंगा और मैं यहां पर पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर कर दूंगा। जिस तरह मैंने यहां पर सम का फंक्शन यूज किया परचेज की फाइल में, आपने यहां पर सेल में और रिजेक्ट में भी यही फार्मूला जो है इसको यूज करना है। तो मैं स्पीड के साथ इसको यहां से ड्रैग करके नीचे लेके आता हूं, और दूसरी शीट में भी मैं इसको अप्लाई करवा देता हूं। ये मैं अभी जो मेरे पास सेल की शीट है उसमें फंक्शन को अप्लाई करवा रहा हूं। इसको हम यहां से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके लास्ट तक लेके आएंगे। अब हम जो पार्ट्स रिजेक्ट होने के बाद हम सप्लाई को रिवर्स करेंगे, उनको मैं यहां पर तमाम के तमाम जो डेज होंगे उनका जो डाटा है उनको यहां पर टोटल करूंगा। तो मैं इसको यहां से ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है कि मैं ये चाहता हूं कि इन तीनों शीट्स में जो डाटा एंटर हो वो ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो, मुझे यहां पर काउंट करना ना पड़े। तो आपने इक्वल टू लगाना है यहां पर परचेज में, परचेज की फाइल में आपने जाना है, यहां से आपने नंबर वन सेल पर क्लिक करना है, क्योंकि हम नंबर वन प्रोडक्ट जो हमने अभी परचेज करनी है उसका डाटा लेना चाह रहे हैं। तो इक्वल टू के साथ मैंने जैसे ही सेल पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली परचेज और जो हमारा सेल का नंबर है R5 वो यहां पर लिखा हुआ आ गया। अब मैं एंटर करूंगा तो देखिए अभी तक मैंने प्रोडक्ट जो है वो जीरो परचेज की है। अगर मैं यहां पर आऊं प्रोडक्ट वन में, यहां पर लिख देता हूं कि मैंने सिक्स क्वांटिटी को परचेज किया एक डेट को, उसके बाद टू डेट को मैंने यहां पर थ्री प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया, तो ओवरऑल देखिए मैंने नाइन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लिया। यहां पर देखिए परचेज की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। अगर मैं यहां पर नंबर थ्री डेट को मैं कहता हूं कि जी मैंने सेवन प्रोडक्ट्स मजीद परचेज कर लिए हैं, तो परचेज की क्वांटिटी 16 हो गई है, और यहां पर ये जो 16 है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। इसको आपने यहां से ड्रैग करना है, इसको लास्ट तक लेके आना है। इस तरह आपने सेल में क्लिक करना है, यहां पर इक्वल टू लगाना है, सेल की शीट में जाना है, और यहां पर टोटल का जो सेल है इसको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। इसको यहां से ड्रैग करके नीचे लेके आना है, और अब आपने क्या करना है, यहां पर इक्वल टू लगाना है। ये जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं आपने ये ख्याल से, ध्यान से यूज करना है, क्योंकि होता ये है कि बहुत का जब हम यहां पर फंक्शन को यूज करते हैं, जो फॉर्मूला है हमारा इसको यूज करते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि हम इक्वल टू लगाने के बाद जो शीट होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से वापस शीट में आकर एंटर कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा फॉर्मूला है जो कि उस शीट के डाटा को मॉनिटर कर रहा था, वो मिसारा के सारा गलत हो जाता है। हमने यहां पर इक्वल टू लगाया और रिजेक्ट की शीट में गए, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब मैं इसको यहां से ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके यहां पर लास्ट तक ले आऊंगा। अब देखिए मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी मैं परचेज में एंट्री करूं, सेल में एंट्री करूं, रिजेक्ट जो पार्ट हो रहे हैं उनकी एंट्री करूं, वो ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो, और यहां पर मुझे जो स्टॉक है ओवरऑल मेरे पास अभी स्टोर में पड़ा हुआ है वो यहां पर अपडेट होकर शो हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मैं करूंगा, मैं ओपनिंग
प्लस करूंगा मैं परचेज, दोनों चीजें हमने प्लस करनी है। ओपनिंग जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था मंथ के स्टार्ट पर और जो मैंने परचेजेस की उनको मैंने प्लस किया, इसमें से हमने माइनस करना है सेल और माइनस करना है हमने रिजेक्ट पार्ट को। मैं एंटर करता हूं, अब मैं इसी फॉर्मूला को यहां से ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके लास्ट तक लेके आऊंगा। अब देखिए हम इस शीट को कुछ भी नहीं करेंगे जो हमारी स्टॉक समरी की शीट है, हम जस्ट परचेज में जाएंगे। ये देखिए मैं प्रोडक्ट ठीक कहता हूँ कि मैंने जी डेट थ्री को मैंने फोर प्रोडक्ट परचेज की हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिक्स प्रोडक्ट परचेज की हैं, यहाँ पर मैंने नाइन प्रोडक्ट परचेज की हैं। मैं सेल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पर 12, या मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने वन प्रोडक्ट सेल की है, यहाँ पर मैं कहता हूँ फोर प्रोडक्ट सेल की है। रिजेक्ट में मैं कहता हूँ कि नंबर थ्री जो प्रोडक्ट है मैंने यहाँ पर टू प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट की है क्वांटिटी में। तो अब मैं जाऊंगा समरी में, तो मैंने प्रोडक्ट थ्री का डाटा जस्ट अपडेट किया था। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर जो मेरी ओपनिंग थी वो सेवन थी और मैंने 19 जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज किए हैं, तो ये टोटल हो गई है हमारे पास 26। 26 में से मैंने 5 सेल कर दी, बाकी रह गई हमारे पास 21, उसमें से 2 हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं, तो बाकी रह गई है 19। तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी एंट्री करेंगे तो उस एंट्री के हिसाब से ये देखें, ये मैंने एंट्री की है, यहाँ पर हमारे पास परचेज की क्वांटिटी 72 हो गई है। अगर मैं सेल में जाऊँ, सेल में जाके मैं यहाँ पर एंट्री करूँ, तो यहाँ पर सेल में मेरे पास 44 क्वांटिटी हो गई है। रिजेक्ट में जाकर मैं यहाँ पर अगर कोई क्वांटिटी ऐड करूँ, ये मैं 3 कर देता हूँ, तो ये रिजेक्ट की 3 क्वांटिटी हो गई है। तो जो समरी है स्टॉक की, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जो डाटा था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। परचेज में 72 आ गया है, सेल में 44 आ गया है, रिजेक्ट में 3 आ गया है, और जो हमारे पास करंट स्टॉक बना है इन तमाम की तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद वो 29 बना है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो ये जो अभी हमने मेथड सीखा है, ये 4 शीट्स में हमने डिफरेंट शीट्स को क्रिएट करने के बाद स्टॉक को मॉनिटर करना सीखा है, ये एक सिंपल मेथड था, इजी मेथड था। अब जो हमारे पास सेकेंड मेथड है वो थोड़ा सा एडवांस मेथड है, उसको यूज करना भी थोड़ा सा आसान है, बस उसका एक फंक्शन होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, उसको यूज करना हमें आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सेकेंड मेथड है इसको डिटेल के साथ हम समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इजी मेथड की समझ आई होगी स्टॉक को मॉनिटर करने के लिए। आई होप कि आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।